पूरा देश जानलेवा कोरोना के खतरे से लड़ रहा है, तो वहीं निजामुद्दीन मरकज में धर्म के नाम पर की गई जमात ने लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस्लामिक धार्मिक आयोजन के बाद 2100 से ज्यादा लोग उसी जगह पर अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने में लगभग 5 दिन का समय लग सकता है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को DTC बसों के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है। इनकी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में 441 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, हालांकि इनकी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। रविवार के दिन 200 लोगों को यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया था, इनमें से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बसों में लोगों को दूर दूर ही बिठाया जा रहा है। यहां मौजूद प्रशासन, NDMC और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस में बैठाए जाने से पहले ही लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में एक बस को रवाना करने में 40 से 45 मिनट लग रहे हैं। देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद इस तरह लोगों का इकट्ठा होना एक अपराध है। वहीं राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और BJP प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीजें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही है। देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा खतरा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे लोगों को लॉकडाउन रहना है तो उस पर अमल करना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी राज्य के हों। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे दुनिया की चिंता की है, यहां तक के सार्क देशों के लोगों से भी बात की, G20 के लोगों को भी आगाह किया, और मैं मानता हूं कि मरकज के अंदर भी सबको प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए थी। जो लोग भी मरकज में पिछले 15 दिन के अंदर गए हैं, वो कहीं भी हों, तुरंत वहां के थाने को, प्रशासन को इन्फॉर्म करें, अपनी जांच कराएं। आप अपने लिए खतरा बनेंगे, पूरे मुल्क के लिए खतरा बनेंगे, इसलिए ऐसा कोई काम मत करें जिससे पूरे मुल्क के लोग खतरे में आ जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा इतना बड़ा है जिसको सब लोगों को इकट्ठे होकर उससे निपटना होगा। बहरहाल, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के मामले में महामारी रोक कानून 1897 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। निजामुद्दीन क्षेत्र में आयोजित मरकज के प्रमुख मौलाना साद ने जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बंगले वाली मस्जिद को खाली करने की बात को ठुकरा दिया, तब गृह मंत्री अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन भी किया। गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार डोभाल 28 से 29 मार्च के दरमियान रात 2 बजे मरकज पहुंचे और मौलाना साद को इस बात के लिए राजी किया वहां मौजूद सभी लोगों का COVID-19 संक्रमण के लिए परीक्षण और क्वारंटीन करने दें।